और वही विविधता तो आज हमें कर्तव्य पथ पर भी विद्या नजर आने वाली है। भावना का मैं रुख कर लेती हूँ। भावना, आत्मनिर्भर भारत, इसके साथ ही मेड इन इंडिया, ये सब कुछ आज हम देख पाएंगे कर्तव्य पथ पर। लेकिन नारी शक्ति पर खासतौर पर नजर रहने वाली है। बेटियां, बेटियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो कर्तव्य पथ पर भी नजर आएगा। और आज नारी शक्ति को लेकर के क्या कुछ अलग होने जा रहा है कर्तव्य पथ पर, भावना बताएं। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं कि आज नारी शक्ति की जो अद्भुत झलक है वो आज कर्तव्य पथ में परेड के दौरान तीनों सेनाओं की तरफ से देखने को मिलेगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी कॉर्पोरेट पार्क पे है, तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि लोगों की जो भीड़ है वो सुबह 4 बजे से ही लगी हुई है, जो लोग टीवी के माध्यम से देखते होंगे इस परेड को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस परेड को देखना चाहते हैं, कर्तव्य पथ पे उस तस्वीर को देखना चाहते हैं, और गर्व से उन लोगों का सीना भी चौड़ा हो जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं इस वक्त सड़क पे लगी हुई है और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? केरला सर। अच्छा, गणतंत्र दिवस का परेड देखने के लिए क्या कहना चाहेंगे, इतना एक्साइटमेंट? परेड तो एकदम बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत लोग है। हाँ। लेकिन अभी परेड का पास मिलने का बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, बस पास नहीं मिला है तो देखिए इस वक्त आपको सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए श्वेता, इस बार बहुत खास होने वाला है नारी शक्ति को लेकर। इस बार परेड में तीन परेड गुजरेगी, वहां पर वो नजारा जरूर देख पाएंगे, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेजों की बनाई तोपों की जगह इस बार भारतीय तोपें सलामी देंगी। देखिए हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा की एक खास रिपोर्ट। 74वें गणतंत्र दिवस पर इस खास तैयारी को आपको हम दिखा रहे हैं, और आप देखिए ये है 105mm इन्फेंट्री गन्स, जिन्हें पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार स्वदेशी की ताकत दिखाई जा रही है, आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत दिखाई जा रही है। इससे पहले इस सेरेमनी के लिए 25 pounder ब्रिटिश गन्स का इस्तेमाल होता था। 15 अगस्त को आपने देखा कि ATAGS जो भारत में निर्मित थी उसके साथ ये सलामी दी गई थी, और अब इस बार पहली बार 105mm फील्ड आर्टी गन को 21 तोपों की सलामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक संकेत है कि कैसे भारत लगातार बदल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। और हम आपको लगातार दिखाएंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई इसी तरह की और अपडेट्स सीधे समारोह स्थल से। तो तमाम तस्वीरें वाकई बताती हैं कि कैसे भारत एक नई तस्वीर गढ़ा